हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मंगलवार को उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत दिन भर सिटी में विविध कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। पॉलिटेक्निक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में बैठक और समीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में अवगत हुए और भविष्य में साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। इस बीच राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक और गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के उपकुलपतियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन में आयोजित बैठक में उपकुलपति प्रोफेसर सुभाष चौधरी, गोंडवाना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रशांत बोकारे, संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रामचंद्र जोशी, प्रोफेसर संजय दुधे, कुलसचिव डॉक्टर राजू हिवसे, प्रसाद गोखले, उमेश शिवहरे, रोशन अलोने उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा में ही छात्रों का फायदा है, इस बारे में काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। ऑफलाइन परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। छात्रों की संख्या, परीक्षा परिणाम, अगले सत्र के प्रवेश के बारे में समय सारणी तैयार करने के आदेश दिए। साथ ही आश्वासित प्रगति योजना, कर्मचारियों से 296 करोड़ रुपए वसूल नहीं करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। ऑनलाइन परीक्षा की मानसिकता से छात्रों को बाहर निकालना होगा, ऐसा महाराष्ट्र के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सावंत ने कहा। वे नागपुर शासकीय तंत्र निकेतन के 24वें दीक्षांत समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि बोल रहे थे। शासकीय तंत्र निकेतन के प्राचार्य एवं नियामक मंडल के सदस्य सचिव डॉक्टर मनोज डायगवा ने, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के संचालक राजेश चौधरी, शासकीय तंत्र निकेतन के सहसंचालक डॉक्टर दत्तात्रेय जाधव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एस बारस्कर और अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे। सावंत आगे बोले, दीक्षांत समारंभ का आज भी स्वरूप अंग्रेजों के जमाने का है, यह बदलना चाहिए। आगे से दीक्षांत समारंभ मराठा तरीके से होगा, ऐसा आश्वासन मंत्री उदय सामंत ने दिया। पदवी का प्रदान समारंभ यह विद्यार्थियों पर केंद्रित होना चाहिए। पदवी का प्रदान समारंभ विद्यार्थियों के लिए दीप स्तंभ जैसा प्रेरणादायी होना चाहिए। भविष्य में मार्गदर्शन इस कार्यक्रम से मिलना चाहिए। बदलते समयानुसार आगे से दीक्षांत समारंभ का स्वरूप भी बदल जाएगा। दीक्षांत समारोह में करियर संबंध मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उद्योग, स्वयं रोजगार, शैक्षणिक क्षेत्र के तज्ञ, नामांकित कंपनी के व्यावसायिक, इन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिनके मार्गदर्शन का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। प्राचार्य डॉक्टर मनोज डायगावाने ने संस्था के बारे में जानकारी दी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयला संकट से जूझ रहे पावर प्लांट्स को उबारने का प्रयास कर रही है। कोयले से लदी मालगाड़ियों को बिना अवरोध गुजारने के लिए 35 ट्रेनों को पिछले महीने रद्द किया गया था। कोयले की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए सभी 35 ट्रेनों को फिर एक महीने के लिए रद्द करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से कोयले की ढुलाई हो रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दूसरी रेलवे से रैक लाने के बाद कोयले की ढुलाई हो रही है। इस जोन से रोजाना करीब 110 रैक कोयले के गुजर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कोयले की आपूर्ति होने के बाद भी पावर प्लांट्स में कोयले की कमी बरकरार है। पैसेंजर ट्रेनों के रद्द होने से लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी। अधिकांश ट्रेनें नागपुर होते हुए गुजरती है। इस रूट पर पहले से ट्रेनों में भीड़ उमड़ रही है। ग्रीष्मावकाश के चलते ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। अब फिर से एक महीने के लिए ट्रेनों के कैंसिल होने से भीषण गर्मी में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसके अलावा मई जून महीने में सबसे अधिक शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मस्जिद इब्राहिम की व्यवस्थापन समिति और नौजवाना ने सिविल कॉलोनी न्यू इरखेड़ा द्वारा 22 मई रविवार रात 9 बजे ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस्ती के सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस अवसर पर मस्जिद इब्राहिम के इमाम मुफ्ती अनिक जकी ने मस्जिद का परिचय कराया और सभी धर्मों को आपसी भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें उपस्थित सभी धर्मों के लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की और आमंत्रित लोगों ने कहा कि इससे आपसी भाईचारा मजबूत होगा। तमाम अतिथियों को शीर खुरमा, अल्पोपहार और अत्तर की बोतल भेंट की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुफ्ती अनिक जकी, तारिक भाई, मुनीर भाई, अबरार, अशफाक अहमद, सादिक भाई, वसीम अख्तर, संजू साहू, धर्म राणा, शास्त्री गुरुजी, दीपक विश्वकर्मा, सुदेश फुलजेले आदि लोगों ने प्रयास किया। मारवाड़ी युवा मंच शाखा नागपुर ने हिंदी फिल्म जगत की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट पर आधारित शहर के देशपांडे हॉल में एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग ने किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया ने की, जबकि उमेश पंचरिया महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच मारवाड़ी फाउंडेशन के अध्यक्ष निकेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल और सुदेश करवा आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वीडियो राहुल सोलापुरकर और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कार्यक्रम में भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों की फिल्मों के इतिहास और उनमें हुए बदलावों को वीडियो और सुमधुर गायन के जरिए दिखाया गया। कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सहयोगदाताओं का गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना मारवाड़ी युवा मंच के विदर्भ प्रमुख महेश बंग ने की। मारवाड़ी युवा मंच के जिलाध्यक्ष कन्या मंत्री ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया, मंच संचालक सुधीर बाहेती ने किया और मान्यवरों का आभार हेमंत शर्मा ने माना। कार्यक्रम की सफलता के लिए राजेश अग्रवाल, अजय मल, संजय पालीवाल, अतुल कोटेचा, हिमांशु चांडक, मधुर बंग, सुनील डागा, विजय सारदा, लक्ष्मी नारायण मनियार आदि ने प्रयास किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में 6 मई बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्धा की पत्रिका का प्रकाशन तथा नगर राजभाषा का कार्यान्वयन समिति वर्धा के हिंदी अधिकारियों व राजभाषा क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों के लिए जुलाई में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन और इससे संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के प्रारंभ में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल का स्वागत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी हंसराज राउत ने किया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी अधिकारी राजेश कुमार यादव ने किया। बैठक में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान एमगिरी के डॉक्टर जयकिशोर छांगणी, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक अमरेश कुमार शुक्ल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देवली के राकेश कुमार पटेल और श्रीपाद वामन कुल्ले, बैंक ऑफ इंडिया विदर्भ आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार मल्लिक और आंचलिक प्रबंधक तुषार हाटे, कैनरा बैंक की प्रियंका निर्वाण, द न्यू इंडिया एश्योरेंस के श्याम सुले और अनिल धावरडे, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के संतोष कुमार, हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी बीएस मिर्गे और हिंदी अनुवादक आरती तेलगोटे आदि की उपस्थिति रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे शहर के 6 मंडल में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने बताया कि शहर के सभी विधायक, नगर सेवक, राष्ट्रीय स्तर से प्रभाग स्तर के पदाधिकारीगण इन शिविरों का आयोजन कर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ दिलवाने में प्रयासरत है। दक्षिण पश्चिम मंडल में मुफ्त चर्म रोग NCCI की मदद से कैंसर की मुफ्त जांच का आयोजन मेगा शिविरों के जरिए किए जा रहे हैं। इसका उद्घाटन विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हस्ते न्यू इंग्लिश हाईस्कूल कांग्रेस नगर में किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष किशोर वानखेड़े, प्रकाश भोयर, छोटू बोरीकर के अलावा सभी पदाधिकारीगण इस शिविर को सफल बनाने में प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर भाजपा मध्य मंडल की ओर से आज 25 एवं 26 मई को भव्य दंत चिकित्सा महाशिविर का आयोजन सुबह 9 से 2 बजे तक गांधीबाग बगीचे में होगा। इस शिविर का उद्घाटन नगर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, पूर्व विधायक गिरीश व्यास के अलावा मंडल के सभी प्रमुख नागरिक उपस्थित रहेंगे। पश्चिम नागपुर में 14 स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न हुए व 4 मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। स्माइल बर्ड डेंटल स्टूडियो रामदासपेट एवं लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल मालगीनगर के संयुक्त तत्वावधान में मालगीनगर स्थित स्वतंत्र संग्राम सैनिक कॉलोनी शिवाजी पार्क में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दांतों के परीक्षण के साथ शुगर जांच एवं BP की जांच की गई। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार मरीजों के आगे के इलाज के लिए अस्पताल में बुलाया गया। इस शिविर का लाभ मंडल के सदस्य, बुजुर्गों एवं नागरिकों ने लिया। इस शिविर का उद्घाटन योगश्री के मुख्य प्रशिक्षक नरेश भांदककर ने किया। प्रास्ताविक मंडल अध्यक्ष रमेश जांगड़े ने किया। कार्यक्रम का संचालन लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर ने किया एवं मान्यवरों का आभार कैप्टन प्रभाकर विंचुरकर ने माना। अतिथियों का स्वागत विजय नावकर ने किया। शिविर में स्माइल बर्ड डेंटल स्टूडियो के गुलशन सलूजा, डॉक्टर मीनाक्षी कुल्लरकर एवं पूनम मंडवगढ़े ने सेवा प्रदान की। शिविर के सफलतार्थ प्रभाकर सव्वालाखे, रमेश साठवने, प्रहलाद शेंडे, विजू भगत, नामदेव शिंगने ने प्रयास किए। शिविर में वामन सालवे, श्रीकृष्ण सोनवाल, भास्कर गावंडे, प्रभाकर पांडरे, विठ्ठलराव धोटे, भरत पटले, लक्ष्मीकांत जुमड़े, काशीनाथ गुमगावकर, ओंकार सरोदे, अरुण वानखेड़े, मनोहर चरडे, डॉक्टर नंदकिशोर रेवतकर, शरद कापटे सापले, विद्या सवालखे, चित्रा डोंगरे, शोभा भुजाड़े, आशा वानखेड़े, शोभा गहूकर, दीपा रामटेककर आदि उपस्थित थे।
नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,057 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,05,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 95,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 3,62,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। जीएसटी लागू हुए करीब 5 साल हो गए हैं। देश भर के व्यापारियों ने इस टैक्स का स्वागत इस बात को ध्यान में रखकर किया था कि एक अच्छा और सरल टैक्स होगा। जीएसटी निश्चित रूप से एक अच्छा और सरल कर है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारियों के लिए एक दुःस्वप्न सा बन गया है, क्योंकि पोर्टल की अक्षमता, जीएसटी पोर्टल में बार बार बदलाव और जीएसटी नियमों में जीएसटी को काफी जटिल बना दिया है। ये कहना है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रशासन का। कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्टेक होल्डर्स के परामर्श से जीएसटी कराधान प्रणाली की कुल समीक्षा करने और इसे एक ऐसा कानून बनाने का आग्रह किया था जो जीएसटी कानून और नियमों का पालन करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दे सके। हर महीने जीएसटी संग्रह के बढ़ते आंकड़ों को एक सफल जीएसटी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रति माह जीएसटी संग्रह एक सकल मूल्य है जिसमें से इनपुट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी पोर्टल की आवश्यकता के अनुसार अधिनियम में संशोधन किए गए जो अनुचित है। शंकर नगर स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा में मेरी कहानी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार देविदास इंदा पवार ने इसे उत्कृष्ट एवं समाज के यथार्थ की प्रस्तुति बताया। गुरु प्रताप शर्मा ने दूध का धर्म में नवजात बच्चे की मां की मृत्यु पर दूसरे धर्म की मां द्वारा संवर्धन किए जाने का नया नजरिया सामने रखा। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश ने कहानी ओढ़ा हुआ सपना में नकली मंगलसूत्र की चोरी दर्शाकर बीमा कंपनी के हवाले से वसूली के कुमार्ग का जिक्र किया। जयप्रकाश सूर्यवंशी किरण ने रेल यात्रा के एसी कोच में उपलब्ध चादरों को अच्छे लोगों के माध्यम से हुए दुरुपयोग पर छोटी बच्ची की नजरिए से व्यंग कसा। मीरा रायकवार ने मैं माँ हूँ के जरिए परिवार के माँ का नजरिया रखा। कृष्ण कुमार द्विवेदी ने साहेब के बर्ताव में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यथा के साथ साहेब की दुत्कार के माध्यम से आज के हालातों का वर्णन किया। नरेंद्र परिहार ने भाईचारा के माध्यम से शहर और गांव की स्थिति को समझाया। प्रभा मेहता ने आप निगरानी में है के अंतर्गत खुदा की निगरानी तंत्र के कैमरे की नजर को व्यंगात्मक भाव देकर सामाजिक चेतना जगाई। इनोवेशन पर लगातार ध्यान देने वाली वैश्विक दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट के सहयोग से एक डिजिटल रोगी शिक्षा उपकरण हेलो स्किन विकसित किया है, जो भारत में डर्मेटोफाइटोटिस से अनुशंसित उपचार अवधि का पालन करने में पीड़ित रोगियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। यह पहला व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट है जो रोगियों को न केवल दैनिक पिल रिमाइंडर्स के साथ टॉपिकल सिस्टमैटिक रिकमेंडेड थेरेपी के पालन में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायक है और रिंगवर्म से पीड़ित रोगियों को स्किन केयर टिप्स भी प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म रोगी के अनुकूल है तथा हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे टेक्नोलॉजी को लेकर रोगी में बेहतर स्वीकृति बनेगी। डिजिटल रोगी शिक्षा उपकरण के विकास पर आलोक मलिक, ग्रुप वॉइस प्रेसिडेंट एवं हेड इंडिया फॉर्मुलेशन ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने कहा कि बेहतर रोग प्रबंधन के लिए डिजिटल रोगी समावेशीकरण भविष्य का हेल्थ केयर तकनीक है। हेलो स्किन इस दिशा में एक पहल है जो ये रोग के बारे में शिक्षा देने और रोगी को फंगल थेरेपी के पालन में सुधार करने में मदद करेगी। नागपुर नगर निगम ने 30 जून 2022 तक सरकारी करों को छोड़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पुराना संपत्ति कर का भुगतान करने वाले संपत्ति धारकों को 10% रियायत देने का फैसला किया है। यदि वे 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 तक मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम संपत्ति कर राशि जमा करते हैं तो संपत्ति मालिकों के सरकार कर को छोड़कर 5% छूट मिलेगी। राधाकृष्णन बी नगर आयुक्त ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रशासक महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 140 में
प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कर में 5% रियायत देने का निर्णय लिया गया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संपत्ति मालिकों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है। जोरास्टन कॉलेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया, ब्रिम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पेन, यूनाइटेड नेशनल पीच यूनिवर्सिटी सेंट्रल अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस कॉलेज के जैन भक्तांबर ग्रुप में जितनी पीएचडी हो रही है उनका परीक्षक बनने का अवसर डॉक्टर ऋचा जैन को प्राप्त हुआ और कॉलेज द्वारा उन्हें ये अवार्ड रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर जोरास्टन कॉलेज के प्रिंसिपल मास्टर मेहर मूस एवं सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डॉक्टर मंजू जैन ने भक्तांबर पर पहली पीएचडी 2010 में की। आज वो भक्तांबर और जैन सिद्धांत पर पीएचडी करने वाले सभी ग्लोबल सेंटर की हेड है। उनके मार्गदर्शन में अभी तक लगभग 40 छात्र पीएचडी कर चुके हैं। इस वर्ष उन्हें जोरास्टन कॉलेज की ओर से इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर अर्चना जैन भक्तांबर नागपुर की सेंट्रल गाइड है। उनके मार्गदर्शन में इस बार 4 छात्रों को पीएचडी डिग्री दी गई। महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी और यूथ एंड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राज्यव्यापी उद्यमिता यात्रा मंगलवार को नागपुर पहुंची। कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नागपुर में कलेक्टर आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने उद्यमिता यात्रा का स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने आशा व्यक्त की कि उद्यमिता यात्रा से जिले में उद्योगों के निर्माण में मदद मिलेगी। जिला परिषद सीईओ कुंभेजकर ने उद्यमिता यात्रा उपक्रम की सराहना की और यात्रा की मंगल कामना की। नागपुर जिले में 3 दिवसीय व्यवसाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उद्यमिता यात्रा पंचायत समिति हिंगना पहुंची। व्यवसाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह पंचायत समिति के सभागार में हुआ। उद्घाटन समारोह के अवसर पर गट विकास अधिकारी बाला येवाले, विवेक इलमे, जिला ग्रामीण यंत्रणा के प्रकल्प अधिकारी, कौशल्य विकास विभाग के सहायक आयुक्त प्रभाकर हार्डे, यूथ एंड फाउंडेशन के अध्यक्ष मैथ्यू बत्तम उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से तथा नागपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित खासदार क्रीडा महोत्सव में प्रणय सुशांत गाड़ेवार ने अंडर 15 आयु वर्ग समूह के एकल स्पर्धा के फाइनल में प्रतिद्वंदी स्पर्श कावले को 21-11, 21-7 से पराजित करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इसी प्रकार अंडर 17 आयु वर्ग की एकल स्पर्धा के फाइनल में प्रणय गाड़ेवार अव्वल नामांकित अमय नागतोड़े से 22-20, 15-21, 10-21 से पराजित होकर अंडर 17 ग्रुप का उपविजेता बना। इसी प्रकार अंडर 15 आयु वर्ग की डबल्स स्पर्धा में सेमीफाइनल में पदक प्राप्त किया। ये तमाम मुकाबले सुविधा हॉल रविनगर में हुए। 22 मई को हुए पुरस्कार वितरण समारोह में एनबीडी अध्यक्ष कुंदा विजयकर व सचिव मंगेश काशीकर के हाथों प्रणय को तीनों पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रणय सोमलवार हाई स्कूल निकालस शाखा नागपुर में कक्षा 9वीं का छात्र है। वो अजय दयाल बैडमिंटन अकेडमी नागपुर में गत 5 वर्षों से नियमित प्रैक्टिस कर रहा है। नागपुर शहर में मंगलवार की दोपहर को तेज आंधी के साथ अकस्मात हुई जोरदार बारिश के कारण महापारेषण के 3 उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। इन उपकेंद्रों से महावितरण के ग्राहकों को होने वाली बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। तेज आंधी के कारण शहर में कई स्थानों पर बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए तथा बिजली के तारों पर पेड़ गिरने के कारण बिजली विभाग का भारी नुकसान हुआ है। महावितरण व महापारेषण के अभियंता व कर्मचारियों ने ऐसी स्थिति में तत्काल सुधार कार्य शुरू किए जाने के बाद शहर में अधिकांश बिजली ग्राहकों को बिजली आपूर्ति सुचारू हुई। शेष ग्राहकों की बाधित हुई बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का कार्य महावितरण द्वारा किया जा रहा है। तूफानी हवाओं के चलने के बाद महापारेषण के अंबाजरी हिंगना वाहिनी में खराबी आने के कारण मानकापुर उपकेंद्र को होने वाली बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इसी दौरान महापारेषण के अंबाजरी मानकापुर वाहिनी में भी तकनीकी खराबी आई। इस कारण महापारेषण के मानकापुर हिंगना व उपलवाड़ी उपकेंद्र से महावितरण के ग्राहकों को होने वाली बिजली आपूर्ति करीब आधे घंटे तक बंद रही। महापारेषण के अभियंता व कर्मचारियों ने तत्काल सुधार कार्य करते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विद्यापीठ से संलग्न महाविद्यालयों को कुकन जाने में परेशानी होने के कारण अब नागपुर में विभागीय केंद्र प्रारंभ किया गया है। इस केंद्र के कारण विदर्भ के छात्रों को तकनीकी के क्षेत्र में करियर निर्माण करने में मदद मिलेगी। इस आशय के विचार उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने व्यक्त किए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विद्यापीठ का विभागीय केंद्र नागपुर के लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में शुरू किया गया। इसी केंद्र के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। कार्यक्रम में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी, प्रकुलगुरु डॉक्टर संजय दुधे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के कुलगुरु कारभारी काले, कुलसचिव भगवान जोगी,
मंत्री प्रोफेसर राजू पावड़े आदि उपस्थित थे। विश्वविद्यालय इस अवधारणा के साथ बनाया गया है कि तकनीकी शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसके कारण छात्रों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता रहेगी, ऐसा बताया गया था। बाटू कानून के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण लोनारे रायगढ़ में की गई है। इस विश्वविद्यालय के विभागीय केंद्र राज्य में 4 स्थानों पर शुरू किए गए हैं। ये बताते हुए सामंत ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विद्यापीठ नागपुर द्वारा ये केंद्र शुरू करने में सहयोग के लिए अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 65वें जन्मदिन स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 6 से 22 मई तक 80 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व नागपुर में 80,000 घरों में कार्यकर्ता पहुंचे। इस शिविर में आंखों की जांच कराकर मोतियाबिंद के 1540 ऑपरेशन किए गए और जांच के दौरान नागरिकों को चिकित्सकों द्वारा चश्मा दिया गया। 27 मई को गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर पाटीदार भवन सतरंजीपुरा क्वेटा कॉलोनी नागपुर में शाम 4 से 10 बजे तक आयोजित भव्य कार्यक्रम में भी चश्मे का वितरण किया जाएगा। विधायक कृष्णा खोपड़े ने आंखों की जांच कराने वाले सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में दी गई पर्ची के साथ शामिल होने का अनुरोध किया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।